सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित और आप इस समय देख रहे हैं ये वीडियो सीरीज जो कि है कोर्स 504 और कोर्स 505 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों की ये वीडियो सीरीज है। तो अभी तक आपने अगर पहले के प्रश्न उत्तर नहीं देखे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं 504 और 505 के, तो उन्हें इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से क्लिक करके ज़रूर देखें। साथ में लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं तो उनके लिए भी लिंक है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, महत्वपूर्ण लिंक्स आपको वहाँ पर मिलेंगी। आज इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं अगली इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके उत्तर भी यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो आज हम ले रहे हैं कोर्स 505 की ब्लॉक दो की इकाई तीन, माफ़ कीजिएगा ब्लॉक वन की इकाई तीन, और इस यूनिट थ्री को कोर्स 505 की कोर्स 505 की प्रश्न उत्तरों को हम आज जानेंगे। तो यहाँ मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से बताने जा रहा हूँ, तो आप इसको समझिए और इसके आंसर भी मैं आपको समझाऊंगा और उनके उत्तर भी यहाँ पर आप कैसे देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्नों को लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर लिया गया है वो है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का आयोजन किस तरीके से किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन का जो सिलेबस है उसको किस तरह से बांटा गया है, तैयार किया गया है। तो यह आप जानते हैं जो मैंने आपको लेक्चर्स में समझाया था, यहाँ प्रकरण के हिसाब से पाठों को डिवाइड किया गया है। तो वो आपको 6 प्रकरण हैं उनके अंतर्गत ये डिवाइड किया गया है इसका पाठ्यक्रम। ये इसका आंसर आपको मिलेगा टॉपिक नंबर 3.4.3, ये आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 6 प्रकरण में इनको बांटा गया है। ये आप देख सकते हैं टॉपिक का नाम है अपनी कक्षा में अधिगम की रूपरेखा वास्तविक जीवन पर आधारित हो। इसके अंतर्गत ये नीचे बाल केंद्रित और समाकलित पद्धति के द्वारा शिक्षण, ये एक टॉपिक है। इसमें नीचे बताया गया है कि पाठ्यक्रम 6 सामान्य प्रकरणों को लेकर तैयार किया गया है जो कि नीचे दिए गए हैं आपको, आप जब देखेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। परिवार, मित्र, आगे और भी टॉपिक्स इसमें मिलेंगे, इसके सब टॉपिक्स भी हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, बता चुका हूँ। तो इस टॉपिक में आपको ये आंसर मिल जाएगा, 6 है, भोजन, पानी, यात्रा, ये सब आएंगे इसमें। तो ये इसका एक आंसर होगा, आप इससे अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो टॉपिक नंबर 3.4.3 पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आपको कोर्स 505 की ब्लॉक 1 की यूनिट 3 में। और दूसरा प्रश्न हम लेते हैं पर्यावरण अध्ययन के को एक मिश्रित विषय होने की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि पर्यावरण अध्ययन एक मिश्रित विषय है, इसके बारे में बताइए। तो इस प्रश्न का भी आंसर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा आपके यूनिट 3 में ही, इकाई 3 में 505 की। टॉपिक नंबर होगा आपका 3.2.1 यानी कि 3.2.1, और ये सीधा सीधा आपको टॉपिक मिलेगा, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर 3.2.1 में लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन, यहाँ पर एक संयुक्त मिश्रित क्षेत्र। तो इसमें टॉपिक में आप को जानकारी मिल जाएगी जो आपको यहाँ पर लिखनी है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए आप आंसर्स को ये ज़रूर करना सीख लीजिए कि अगर 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है या 10 नंबर में पूछा जाता है तो आप उसको किस तरह से बढ़ाएंगे और किस तरह से करेंगे, ये क्षमता आपको खुद आनी चाहिए। तो जब बढ़ाना हो तो किस तरह से इस चीज़ को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ ये टॉपिक में इसका आंसर छोटे रूप में दे रखा है, लेकिन आप इसको बढ़ाना सीखिए ताकि 10 नंबर में पूछा जाए तो आप इसे लिख सकें। तो ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, टॉपिक नंबर 3.2.1 3.2.1। थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं मूल्य पर्यावरण अध्ययन के लिए एक आवश्यक घटक है, वर्णन कीजिए। तो यहाँ मूल्यों की बात की गई है, मूल्य पर्यावरण अध्ययन में किस तरह से महत्वपूर्ण है, ये सभी चीज़ें हमने डिटेल में लेक्चर्स में कवर की हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है, समझा नहीं है तो उन्हें समझिए, तो ये बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा टॉपिक नंबर 3.2.5 में आपको आंसर मिल जाएगा 3.2.5, ये टॉपिक का आंसर 3 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो आप देख सकते हैं 3.2.5 मूल्य पर्यावरण का अनिवार्य घटक है। तो इस टॉपिक में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, बढ़ाना घटाना आप सीखिए ये आपको आना चाहिए, बाकी डेटा आपको यहाँ से पूरा मिल जाएगा। तो ये है परफेक्ट आंसर इसका। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ जो कि है ज्ञात से अज्ञात एवं मूर्त से अमूर्त का विकरण, अमूर्त विकरण प्रतिरूप
यहाँ पर शिक्षण प्रतिरूप है, ये आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, शिक्षण प्रतिरूप करता है, यानी कि ये क्या है ये आपको बताना है, ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त शिक्षण प्रतिरूप क्या है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 3.4.2 में, 3.4.2 में इसका आंसर आपको मिलेगा इसी यूनिट के, यूनिट 3 के 505 की। तो ये टॉपिक में एक हेडिंग है ज्ञात से अज्ञात और खोज, माफी जी का खोज की ज्ञात से अज्ञात और प्रत्यक्ष से अमूर्त की ओर प्रोत्साहित करो। तो इस टॉपिक के अंतर्गत इसके बारे में जानकारी दी गई, एक अच्छा पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है, इसको समझिएगा, ये समझाया भी है मैंने लेक्चर में, तो इसका आंसर आपको इस टॉपिक में आसानी से मिल जाएगा। तो ये था फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है पर्यावरण अधिगम का संदर्भ पर्यावरण है, तो ये समझाना है यहाँ पर, तो संदर्भ पर्यावरण है ये समझाना है। तो ये इसका आंसर आपको मिलेगा टॉपिक नंबर 3.2.2 यानी कि 3.2.2 में। अब ये टॉपिक में, ये टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन संदर्भित होता है, तो जैसा कि आप समझ रहे हैं इसमें से आपको ये आंसर मिल जाएगा। पहली लाइन में लिखा गया है कि पर्यावरण अध्ययन का संदर्भ पर्यावरण है, बाकी इसकी डिटेल आगे इसमें दी गई है, तो ये आंसर भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तैयार कर लेंगे। तो ये थे 5 क्वेश्चन और उनके आंसर्स, मैंने जिस तरह से टॉपिक आपको बता दिए हैं आप बस समझिएगा, बढ़ाना सीखिए, अगर कभी आपसे ज़्यादा नंबर में पूछा जाता है तो ये स्किल्स आप में होनी चाहिए, बाकी ये आंसर आपको बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे। तो ये वीडियो बस इतना ही रखते हैं, इनको डाउनलोड करने के लिए प्रश्नोत्तर को मैं नीचे वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी महत्वपूर्ण प्रश्नों की लिंक, जो लेक्चर्स की लिंक है उन्हें भी देखिए, और आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के आइकन को ज़रूर सभी दबा लीजिए जिससे हर वीडियो लेक्चर आप तक पहुँचे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।